नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं केएमआर न्यूज। आज इस वक्त आजमगढ़ जिले के हम विधानसभा लालगंज के अंतर्गत भलवार ग्राम सभा में उपस्थित हैं। आइए, यहां पर बेचई सरोज जी आए हुए हैं, विधायक बेचई सरोज। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनका क्या रहा है और कैसा उनका रुझान रहेगा। विधायक जी, आप लालगंज के जो है विधायक हैं, तो जो माननीय दरोगा सरोज को जो टिकट मिला है, एक पूर्वांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो आप 2022 में जो विधानसभा की जो पूर्व जीत मिली थी 10 विधानसभा में, क्या इस बार जो है लोकसभा की जो 2 सीटें हैं आजमगढ़ की, क्या ये आपसी आती दिख रही हैं और कि बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं? मैं तो मीडिया के भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह इस बार पीडीए चुनाव, इस बार पूरा पीडीए लड़ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, बुनकर, दुकानदार भाई, ये इस महंगाई से तबाही के कगार पे छात्र देख रहे हैं कि छात्रों के साथ कितने अत्याचार हो रहा है कि दो दो पेपर हुआ, पुलिस की पेपर हुआ, एक और पेपर, दोनों लीक हो गया। इस बार नौजवान साथी लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, पीडीए लड़ रहा है, इन लोगों को आता पता नहीं चलेगा। और उसके बाद ये दरोगा सरोज और हमारे जिले के कनक के माननीय पूर्व सांसद बड़े भाई धर्मेंद्र यादव, इस बार लाखों लाख दोनों सीटों लाखों लाख जीतने का काम करेगी समाजवादी पार्टी, पीडीए लड़ेगी। निरहु कह रहे हैं आजमगढ़ में कि अगली बार जो है यादव 2022 में आधा था, इस बार जो है पूरा यादव हमारे साथ जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर निरहु का जो काम है वही काम करने के लिए आजमगढ़ की जनता उनको भेज देगी, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। तो समाजवादी पार्टी का क्या परचम लहराएगा 2024 में? 2024 में आजमगढ़ और लालगंज और उसके बाद हमारे पूर्वांचल की कितनी बहुत सीटों पर एकदम बहुमत से इस बार कहना कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार बहुमत से चुनाव हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहे हैं कि इस बार जो है चुनाव संविधान बचाने का है और नौजवानों का चुनाव है और मजदूरों का चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार जो है संविधान बीजेपी अगर जीतती है तो क्या खतरे में है? एकदम खतरे में है। अभी आप देख लीजिए, बच्चों की नौकरी खतरे में है, वही संविधान खतरे में, कानून खतरे में है, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में, लोहिया जी का संविधान खतरे में, माननीय मुलायम सिंह जी का संविधान खतरे में, माननीय कांशी राम जी की जो सोच थी वो खतरे में, ये सारी चीज इस बार अगर नहीं हमारे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता नहीं सोची, तो इस बार कहना कि संविधान खतरे में है। और आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया साथी भाई कि यह भाजपा एक रुपये का काम कोई क्षेत्र में नहीं कर रही है, खाली मिलजुमला और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर और भाई भाई में बंटवारा करने का काम कर रही है और इसका जमीन में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। आज जो भी काम है, मैं आजमगढ़ में बता देना चाहता हूँ, यह हवाई अड्डा हो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन है, या बड़ी रेलवे लाइन हो नेताजी की देन है, या पीजीआई हो नेताजी जी की देन है, मुलायम सिंह यादव जी की देन है, चाहे वो महिला अस्पताल हो मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जो भी कमिश्नरी हो मुलायम सिंह यादव जी की देन है। बता दीजिए, 7-7 साल से कहने केंद्र उत्तर प्रदेश की, 10 साल की उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार हो गई और 7 साल की कहने उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, एक भी आजमगढ़ के लिए कहने की काम कोई बता दे, खाली सिर्फ कहने कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी के काम को वो अपना कहना की काम चौड़ीकरण और थोड़ा सा बढ़ाकर अपना काम गिनती कराने का काम करे, नया काम कोई बता दे। तो कह रहे हैं कि हमने जो है कि ये कॉरिडोर बनवाने का काम कर रहा हूँ और महाविद्यालय बना है, संगीत महाविद्यालय बनवा चुका हूँ 1.5 साल में, और 50 साल में जो है अपना समाजवादी जो अपना रिकॉर्ड बताए क्या किया है उसने? अभी तो मैं तो बताई दिया जी, जी मैं आपको बताया दिया, पीजीआई इतना बड़ा अस्पताल और महिला अस्पताल, फिर उसके बाद रेलवे लाइन, हवाई अड्डा, ये और ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अभी वो उन्होंने पीडीए, संविधान बचाओ, नौकरी पाओ,
संविधान बचेगा तो नौकरी आप मिलेगी। जब अखिलेश यादव आएंगे पीडीए आएगी फिर बच्चों को नौकरी मिलेगी और किसानों को कहना खुशहाली होगी। और उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी नहर का पानी माफ करके किसानों का कहना आज तक लगान नहीं लगती है, ये जीता जागता एक उदाहरण है। 2024 में आपकी भूमिका क्या रहेगी? भूमिका हमारी ये रहेगी कि मैं जितने वोट से अपने लालगंज में जीता हूँ माननीय दारोगा प्रसाद सरोज जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हाथ को मजबूत करने के लिए उसे ज्यादा चुनाव जिताने का काम करूंगा, मेहनत करूंगा और घर घर जाकर का ना पीडीए को जगाने का और अखिलेश यादव और साइकिल को चुनाव जिताने के ऊपर बटन दबाने का कहना की निवेदन।